हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 65 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 41 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है दोस्त, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग उठाई गई थी, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग कब उठाई गई थी या किस सम्मेलन में उठाई गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन एक दिया है वांडुंग सम्मेलन में, ऑप्शन दो है अल्जीरियस सम्मेलन में, तीन है बेलग्रेड सम्मेलन में, फोर है कार्टगेना सम्मेलन में। आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर टू, अल्जीरियस सम्मेलन में यह बात उठाई गई थी। व्याख्या देखते हैं, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग अल्जीरियस सम्मेलन 1973 में उठाई गई। यह सम्मेलन गुटनिरपेक्षता का चौथा सम्मेलन था। इसमें गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने अन्य स्वतंत्र व विकसित राष्ट्र की शोषण पड़क प्रवृत्तियों को उजागर किया और नई व्यवस्था की योजना बनाई। जो ये सम्मेलन हुआ था, इसमें जितने भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में या गुटनिरपेक्ष जो संधि हुई थी उसमें सम्मिलित थे, उन्होंने जो विकास विकसित देश थे, जो विकसित थे और स्वतंत्र थे, उनके द्वारा जो अल्प विकसित थे या विकासशील देश थे या गुलाम थे, तो उनका इन्होंने शोषण किया और इन्हीं शोषणों को ये जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे उन शोषण पड़क नीतियों को इन्होंने इस सम्मेलन में उजागर किया। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तिथि विश्व के सदस्य हैं, निम्नलिखित में से कौन तिथि विश्व के सदस्य हैं। तो ऑप्शन है एक जापान, कनाडा, पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन दो है अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑप्शन तीन है भारत, नाइजीरिया, श्रीलंका, ऑप्शन फोर है भारत, जापान, कनाडा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों तीन, आंसर तीन हो जाएगा, भारत, नाइजीरिया, श्रीलंका, ये क्या है तिथि विश्व हैं, तिथि विश्व के सदस्य हैं। और तिथि विश्व का जो सेंस आता है, जो तात्पर्य है, वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से ही है, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों से ही तिथि विश्व का मतलब जो सदस्य हैं उन्हीं से इनका मेन पर्पज है। उधर देखते हैं ध्रुवी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में दो विश्व बन चुके थे। तिथि विश्व में जो स्वतंत्र राष्ट्र थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाया वो तिथि विश्व कहलाए, तो वहीं से जो आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जापान है, पहले वाले में कनाडा है और सोवियत संघ है, तो ये कहीं ना कहीं विश्व युद्ध में सम्मिलित होने वाले और किसी गुट के सदस्य ही रहे हैं। अमेरिका इसमें है, जर्मनी भी है और इधर जापान और कनाडा भी है। तो आंसर जो हमारा जाएगा वो तीन के साथ जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, तीसरी दुनिया तिथि विश्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड सावी ने किया। इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया तथा ओशिनिया के अंतर्गत आने वाले देश शामिल होते हैं। इसमें भारत, नाइजीरिया और श्रीलंका शामिल हैं। तो आगे चलते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय था या मुख्यालय है। दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग संगठन का मुख्यालय है, ऑप्शन एक है काठमांडू में, ऑप्शन दो है सिंगापुर में, ऑप्शन तीन है बैंकॉक में, ऑप्शन फोर है जकार्ता में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, मुख्यालय पूछा है दोस्तों, तो मुख्यालय आपका जकार्ता में हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जकार्ता में। यहाँ पे तीन नहीं चार रहना चाहिए। आसियान दक्षिण पूर्व सहयोग संगठन की स्थापना 8 अगस्त 1967 में थाईलैंड की राजधानी
बैंकॉक में हुई। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे 4 कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका दिया है 3, तो आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों। जकार्ता में इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसमें जो सदस्य देश हैं वो सदस्य देश जो है 10 हैं। आसियान का उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आर्थिक विकास तथा समृद्धि को बढ़ावा देना है। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य नहीं है। भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन एक है शांतिपूर्व सअस्तित्व, ऑप्शन दो है पड़ोसी देशों पर कब्जा करना, ऑप्शन तीन है गुट निरपेक्षता, ऑप्शन फोर है निशस्त्रीकरण। तो आंसर आपको दिख गया होगा, आंसर दो आपका सही हो जाएगा। भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, किसी देश पे हम कब्जा करना नहीं चाहते हैं। व्याख्या देख लीजिए, स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्व सअस्तित्व, पंचशील सिद्धांत का प्रतिपालन, रंग भेद नीति का विरोध, पड़ोसी देशों को प्रथम प्राथमिकता देना, उनके साथ सहयोग अपनाना, ये हमारे विदेश नीति का पाठ है। 45 क्वेश्चन देखिए, किसने लोक प्रशासन को आधुनिक सरकारों की समस्या का हृदय कहा है। किसने लोक प्रशासन को आधुनिक सरकारों की समस्या का हृदय कहा है, उर्विक ने, फ्योल ने, लूथर गुलिक ने, एल डी व्हाइट ने। तो किसने कहा है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, फ्योल ने कहा है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, 45 का आंसर 2 हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, व्हाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे गतिविधियां आती हैं जिनका प्रयोजन सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है, जबकि फेयोल लोक प्रशासन को आधुनिक सरकारों की समस्या का दृष्ट कहा है। लोक प्रशासन को आधुनिक सरकार की समस्या का दृश्य कहा है। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, न्यायपालिका प्रशासन की निरंकुशता पर किस तरह अंकुश लगा सकती है। न्यायपालिका प्रशासन की निरंकुशता पर किस तरह से अंकुश लगा सकती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन एक है सरकार के विरुद्ध अभियोग द्वारा, ऑप्शन दो है मंत्रिमंडल में परिवर्तन द्वारा, ऑप्शन थ्री है राष्ट्रपति को अपदस्थ कर या लोकपाल के माध्यम से। तो किसके द्वारा जो है राष्ट्रपति प्रशासन पर अंकुश लगाया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा 46 का 4, आंसर क्या हो जाएगा 4, न्यायपालिका प्रशासन की निरंकुशता पर किस तरह अंकुश लगा सकती है। तो न्यायपालिका प्रशासन की निरंकुशता पर लोकपाल के माध्यम से अंकुश लगा सकती है। व्याख्या देख लीजिए, न्यायपालिका प्रशासन की निरंकुशता पर लोकपाल के माध्यम से अंकुश लगा सकती है। भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 की सिफारिश पर अन्ना हजारे आंदोलन के बाद लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 पारित हुआ। लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनने व उस पर कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन एक है प्रशासन की मध्यवर्ती सोपान सहायक अभिकरण को कार्य सौंपता है, ऑप्शन दो है सहायक इकाइयां प्रमुख कार्यकारी की सहायता करती है, ऑप्शन तीन है सहायक इकाइयां प्रमुख कार्यकारी की सहायता नहीं करती है, ऑप्शन फोर है सहायक अभिकरण नीतियों में सुधार का सुझाव देता है। तो आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों, सहायक इकाइयां
प्रमुख कार्यकारी की सहायता करती है। ये आंसर सही है। अगला देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र नियामकी आयोग का आविर्भाव हुआ। स्वतंत्र नियामकी आयोग का आविर्भाव हुआ कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये बताना है आपको। जापान में, जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, अमेरिका में। स्वतंत्र नियामकीय आयोग का उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो अमेरिका में हुआ था जन्म। स्वतंत्र नियामकीय आयोग का आविर्भाव अमेरिका में हुआ। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन 1 है प्रधानमंत्री, 2 है राष्ट्रपति, 3 है गृह मंत्री, 4 है वित्त मंत्री। तो आंसर जो हो जाएगा गृह मंत्री हो जाएगा। इस वाले का आंसर देखकर एक बार जरूर कमेंट करिएगा कि ये सही है कि गलत, गृह मंत्री। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषद सर्वाधिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया है, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है। इस अधिनियम के तहत देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रत्येक मुख्यमंत्री क्रमानुसार 1 वर्ष के लिए परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन 1 है 1961, 1962, 1963, 1966। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। व्याख्या देख लीजिए, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में वर्ष 1966 में किया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश केंद्र राज्य सरकार संबंधों में सुधार हेतु अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला लोक निगम था। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला लोक निगम था। ऑप्शन 1 है जीवन बीमा निगम, ऑप्शन 2 है इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन 3 है पुनर्वास वित्त निगम, ऑप्शन 4 है इंडिया इंटरनेशनल। तो आंसर जो हो जाएगा 3, पुनर्वास वित्त निगम। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बाद पहला लोक निगम था। आगे देखिए व्याख्या, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला लोक निगम पुनर्वास वित्त निगम था, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई। इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन 1953 तथा इंडियन इंटरनेशनल वर्ष 1953 एवं जीवन बीमा निगम का गठन 1956 में किया गया। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, नौकरशाही है ब्रिटेन की देन, मध्यवर्गी सामंतों की कृति है, प्राचीन रोम की देन है, एक आधुनिक विकास है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, एक आधुनिक विकास है। नौकरशाही क्या है? एक आधुनिक विकास है। व्याख्या देखिए, आधुनिक विकास की प्रक्रिया में औद्योगिक क्रांति के बाद सामाजिक व राजनीतिक ढांचे में आए परिवर्तन ने जिस संगठन की प्रणाली को जन्म दिया वह नौकरशाही ही है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही प्रशासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें विशेषज्ञता, निष्पक्षता व मानवता का अभाव होता है। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है। औपचारिक रूप से या वास्तविक रूप से संघ की जो है कार्य
कार्यपालिका की शक्ति निहित है, तो किसमें निहित है? ऑप्शन एक है लोकसभा में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, केंद्र में, सत्तासीन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष में। तो औपचारिक रूप से किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में हो जाएगा। देखने में तो दोस्तों इस तरह औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन हर काम मंत्रिमंडल ही करता है, मंत्रिपरिषद ही करता है। व्याख्या देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जबकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। तो दोस्तों वहाँ पे हम औपचारिक जो बोले थे, एक बार वास्तविक भी बोल दिए थे उसके लिए सॉरी। तो यहाँ जो कार्यपालिका की वास्तविक जो शक्ति पूछा जाएगा वो किसमें निहित होती है? तो वो प्रधानमंत्री के पास होती है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रशासकीय संरचना की नींव पड़ी। भारत में प्रशासकीय संरचना की नींव किसके द्वारा पड़ी? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा प्रशासनिक संरचना की नींव पड़ी थी। व्याख्या देख लीजिए। भारत में प्रशासनिक संरचना की नींव 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा पड़ी। इस अधिनियम के तहत वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की गई। पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन भारत में बजट निर्माण में संलग्न होते हैं। भारत में बजट निर्माण में कौन संलग्न होते हैं ये आपको बताना है। वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, समस्त लोक आयुक्त। तो ये चार है, चार में से कौन कौन सम्मिलित होते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें से वित्त आयोग भी सम्मिलित होते हैं दोस्तों, और इसके बाद योजना आयोग जो होता है जिसको नीति आयोग कहते हैं वो भी सम्मिलित होते हैं, और इसके बाद नियंत्रण महालेखा परीक्षक भी सम्मिलित होते हैं, जबकि समस्त लोकायुक्त नहीं होते हैं, इसलिए आंसर एक हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं सम्मिलित होते हैं तो आंसर एक सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में बजट निर्माण में वित्त मंत्रालय, नियंत्रण महालेखा परीक्षक तथा योजना आयोग की भूमिका होती है। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कार्यरत है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को दोस्त प्लीज़ लाइक कर दें, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपको मालूम नहीं होगा, आपके एक लाइक से हमको इतना प्रोत्साहन मिलता है कि हमको और वीडियो बनाने का मन करता है। अगर लाइक कम आते हैं तो ये लगता है कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो निरर्थक है, सार्थक नहीं हो रहा है। लेकिन आप जैसे ही एक लाइक करते हैं तो हमको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ कुछ हम अच्छा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी उम्मीद के साथ कि और अच्छा करेंगे, आप सभी लोग से अलविदा कहते हैं। नमस्कार।